कोई भी विद्यार्थी अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य नहीं कर सकता था। यहाँ पर सुंदर ने अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल लिया और इस स्थान पर उसका खास ख्याल उसके रामपुर प्राइमरी स्कूल के पुराने सहपाठी के द्वारा रखा गया, जो उसके पूर्व समय में बाइबल अध्ययन का सहायक भी रहा था और उसके स्कूल के अध्यापक साहब का बेटा भी था। इस बोर्डिंग के सारे शिक्षकों ने सुंदर की यथाशक्ति मदद भी की, जिससे उसे प्रेम की कमी महसूस ना हो। सुंदर के पिता यह जान गए कि वो लुधियाना के बोर्डिंग स्कूल में है, तो वे अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर सुंदर को वापस ले जाने बोर्डिंग में आ धमके। वहां शेर सिंह ने सुंदर से मिलने की इच्छा प्रकट की। केवल शेर सिंह को ही सुंदर से मिलने की अनुमति प्राप्त हुई। अपने पिता को सुंदर अगाध प्रेम करता था। उसे देखकर सुंदर का हृदय टूट गया। उसके पिता ने उसे देखा, देखते ही सुंदर के पिता के आंसू धारा प्रवाह बहने लगे। उन्होंने सुंदर को अपने साथ वापस आने की जिद की, उनकी माँ के बारे में बात की। सुंदर का मन भी अपने पिता के साथ वापस जाने मचल गया, परंतु अचानक सुंदर ने कहा, मैं एक मसीही हूँ और मैं मसीह से प्रेम करता हूँ। सुंदर के पिता को वापस आना पड़ा। वापस आते आते सुंदर के पिता व रिश्तेदारों ने बोर्डिंग के लोगों को यह धमकी देकर चले गए कि हम इसे मार डालेंगे, वापस आएंगे। और फिर 3-4 बार और आए, परंतु बोर्डिंग प्रशासन ने उन्हें मिलने नहीं दिया। यहाँ तक कि एक बार पुलिस की मदद लेनी पड़ी। सुंदर एक बार विष के प्रभाव से मरने से बच गया था और अब उसके रिश्तेदार उसके प्राण के प्यासे हो चले थे और हमलावर हो गए थे। इसलिए प्रेस्बिटेरियन मिशनरी और प्रशासन इस निर्णय पर पहुंचा कि सुंदर को किसी और जगह रखा जाए ताकि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। शिमला से 20 मील दूर सबाथू नाम का एक छोटा सा कस्बा था, जहां मिशन का एक कुष्ठ रोगियों का इलाज करने का कुष्ठ अस्पताल था। यहाँ के स्टाफ के रहने के लिए जो जगह थी, वहाँ सुंदर के रहने का इंतजाम किया गया और सुंदर को सबाथू भेजा गया। यहाँ सुंदर अपने व्यस्क होने अर्थात 16 वर्ष की आयु तक रह सकता था और सुंदर 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बत्तीसवां भी ले सकता था। सुंदर सबाथू पहुंचकर अब मानसिक रूप से तनाव मुक्त था और शारीरिक रूप से भी अच्छा महसूस कर रहा था। सुंदर जिस जगह पर रह रहा था, यह जगह प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण और शांत सौम्य थी, जहां पर वह बिना संकोच घंटों तक बाइबल पढ़ता व निरंतर सेवकाई के लिए तैयार हो रहा था। अब सबाथू में सुंदर पूर्ण रूप से मसीह की आज्ञा पालन करने तैयार हो गया था। 3 सितंबर 1905 को सुंदर अपने 16 वर्ष पूर्ण कर लिए। अब वह कानूनन दृष्टि से अपने जीवन के संपूर्ण फैसले लेने के लिए पूर्ण हकदार हो गया था। बत्तीसवां से एक दिन पहले अर्थात शनिवार को रे जे रेडमैन के द्वारा सुंदर का साक्षात्कार लिया गया, जिसे वह पूर्ण रूप से हर एक आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर बेझिझक दे पाया, जिससे रे रेडमैन अत्यधिक प्रभावित हुए। रविवार 3 सितंबर 1905 को शिमला शहर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, के सेंट थॉमस चर्च में सुंदर सिंह का बत्तीसवां रे रेडमैन के द्वारा हुआ। सुंदर का बत्तीसवां छिड़काव विधि के अनुसार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से 3 बार पानी छिड़क कर हुआ। बत्तीसवें के दरमियान केनन चंदूलाल ने रे जे रेडमैन की सहायता की। बत्तीसवें के बाद सुंदर के मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी कि उसे अब अपना सारा जीवन अपने उद्धारकर्ता की सेवा करना है, जिसने अपने आप को संपूर्ण मानवों के लिए बलिदान कर दिया। सुंदर अब यीशु की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाना चाहता था। एक दिन वह जंगल में मगन और चिंतन की अवस्था में टहल रहा था। वातावरण सौम्य, मृदु और शांत था। अचानक सुंदर ने एक आवाज सुनी, मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तेरी अगुवाही करूंगा। चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की वादी में से चले, तुझे हानि ना होगी। निश्चय भलाई और करना जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी। सुंदर ने अपने आस पास देखा, कोई ना था। फिर वह इस आवाज को पहचान गया। ये वही आवाज थी जो उसने रामपुर के अपने कमरे में यीशु के दर्शन होने पर सुनी थी। अब सुंदर जान गया था कि वह अपने जीवन के अंत तक कभी अकेला ना रहेगा। इन दिनों उसका मन अतीत की उन यादों में भी खोया हुआ था, जब उसकी माता और किसी साधु ने और पुरोहित ने उनके साधु बनने के बारे में कहा था। ये सारे विचार सुंदर के मन में चलते रहे।
वे तब तक चले जब तक 33 दिन पूर्ण ना हुए। इस दिन तक सुंदर अपनी सारी पुस्तकें, अपने कपड़े व सामग्री जरूरतमंदों को बांट चुका था। 6 अक्टूबर 1905 को सुंदर ने गेरवे वस्त्र धारण किए। अब वे गेरवे वस्त्रधारी मसीही साधु हो गए थे। इस दिन वे नंगे पांव धर्म ग्रंथ बाइबल लेकर, जो वस्त्र उन्होंने पहने थे केवल उन्हें ही लेकर, अपने मुक्तिदाता का संदेश मानव जाति को देने निकल पड़े। प्रचार करते हुए साधु जी रामपुर से 2 मील पहले छिडरा नामक गांव में पहुंचे। वे दिन भर लोगों को प्रचार करते रहे। रात के 9 बज गए। सब लोग अपने अपने घरों में जाकर सो गए। साधु जी थके मांदे एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था और वे किसी से कुछ मांगते भी नहीं थे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे। तरह तरह के विचार उनके पूर्व जीवन के, उनके घर की संपन्नता के आदि आने लगे। यह एक तरह की परीक्षा थी शैतान द्वारा। तो साधु जी व्याकुलता से भरकर परमेश्वर के भजन गाने लगे। भजन सुनकर गांव के कुछ लोग जाग गए। उनमें से 2 लोग उठकर उनके पास आकर बैठ गए। तब साधु जी ने उन्हें यीशु प्रभु की मुक्ति कथा सुनाई, जिससे वे लोग बहुत प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने जाना कि साधु जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो वे तुरंत खाना बनाकर उनके लिए ले आए। साधु जी ने प्रभु को धन्यवाद दिया और उन्हें भी जो लाए थे, उसके बाद खाना खाकर वो सो गए। दूसरे दिन वे अपने पुश्तैनी गांव रामपुर जा पहुंचे, जहां वे कुछ ही महीने पहले थे। सारे लोग सुंदर को जानते थे। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें जहां मौका मिला, दुकानों में, घरों में, चौबारों में वह प्रचार करता चला गया। अपने मित्रों और परिचितों को भी मुक्ति संदेश सुनाता गया। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से सुना और साधु जी को देखकर प्रसन्नता से भर गए। शाम को जब वह अपने पिता शेर सिंह के घर पहुंचा, तो सुंदर के पिता ने उससे मिलने से व अंदर आने देने से मना कर दिया। फिर स्वयं बाहर आकर सुंदर से कहा, आज रात तुम यहाँ रुक सकते हो, बहुत सुबह यहाँ से चले जाना, फिर कभी अपना चेहरा ना दिखाना। उस रात उन्होंने उसे अपने से दूर बैठाया, जिसे आज भी भारत के गाँवों में अछूतों के साथ होता है। उसे पीने के लिए पानी दिया गया। सुंदर को पानी अपने हाथों में झेल कर पीना पड़ा। बर्तन को उसके स्पर्श से दूर रखा गया, कहीं बर्तन सुंदर के स्पर्श से अपवित्र ना हो जाए। उसे खाने को भोजन दिया गया, परंतु दूर से। इस तरह के व्यवहार से सुंदर का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। एक समय था जब सुंदर को उसके परिवार के लोग आंखों की पलकों पर रखते थे, परंतु आज उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा था। सुंदर का हृदय यह सब कुछ सहकर भी मसीह की अभूतपूर्व शांति से भरा हुआ था। सुंदर खड़ा हुआ और भोजन के लिए धन्यवाद देकर रात्रि को ही घर से बाहर निकल गया। वह खेत में गया, वहां पानी पिया और रात्रि एक पेड़ के नीचे सो गया, और सुबह होते ही अपने आगे की प्रचार यात्रा के लिए निकल पड़ा। रामपुर से निकलकर अब यह गेरुआ वस्त्रधारी साधु रास्ते में आने वाले गांव में रुक रुक कर प्रचार करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। शाम हुई, वह एक गांव में पहुंचा। ठंड का समय था। गांव के लोग उसे हिंदू साधु जानकर मदद के लिए आगे आने लगे। फिर जब साधु जी ने यीशु का प्रचार किया, तो उन्होंने हल्ला मचाया और साधु जी को गाँव से बाहर निकाल दिया। हल्की बारिश हो रही थी। गांव से थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक खाली झोपड़ी दिखी, जो किसी की त्यागी हुई थी। वे उस झोपड़ी के अंदर आ गए। वहां छत थी। सर पर छत पाकर वे संतुष्ट हुए और वहीं जमीन पर सो गए। सुबह जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा जिस कंबल को उन्होंने ओढ़ा था, उस कंबल के आधे हिस्से पर बड़ा काला विषधारी कोबरा सोया हुआ था, जिसे देखकर साधु जी जितनी जल्दी उठ सकते थे उठकर झोपड़ी से बाहर आ गए। साधु जी अपना कंबल छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने प्रभु से हार्दिक प्रार्थना की, क्योंकि अधिकांश रातें उन्हें ठंड में ही बाहर बितानी पड़ती थी। प्रभु ने उनसे एक शांत धीमी आवाज में कहा, क्या मैंने तुझे रात भर सुरक्षित नहीं रखा? जा, अपना कंबल उठा। साधु जी अंदर गए और अपना कंबल उठाया। सांप चुपचाप सरक कर चला गया। साधु जी अब आगे की ओर बढ़ते ही चले गए, हर गांव में, कस्बे में यीशु की प्रेम कथा का प्रचार करते।
कई लोग तिरस्कार करते, सब कुछ सहते हुए वे पहाड़ी मार्ग से होकर चलते रहे। अचानक एक स्थान पर उन्होंने अपनी ओर एक भीड़ को आक्रमण रूप से आते देखा। वे साधु जी को मारना चाहते थे। तब साधु जी ने यह समझकर कि वे उन्हें मार डालेंगे, तुरंत उसी स्थान पर बैठ गए और अपने घुटने टेक अपनी आत्मा प्रभु के हाथों में सौंप दिया। तब अचानक वह भीड़ जो उन्हें मारने आ रही थी, अचानक वे सब घबरा कर वहां से भाग रहे थे। साधु जी भी यह सब देखकर हतप्रभ थे। दूसरे दिन वह भीड़ पुनः उनकी तरफ आ रही थी, परंतु उन्हें मारने नहीं, परंतु उनसे मेल करने। वे लोग साधु जी के पास आए और उस दिन के बारे में बात करने लगे जब वे उन्हें मारने आए थे। उन्होंने बताया, जब हम आपको मारने आ रहे थे तो अचानक चमकदार श्वेत प्राणियों ने आकर आपको घेर लिया था, हम पर बड़ा भय छा गया था और हम भाग गए। तब साधु जी को ज्ञात हुआ कि उनकी रक्षा परमेश्वर के दूतों द्वारा हुई है। भजन संहिता 34:7। उसके बाद साधु जी ने उन्हें बड़े प्रेम से मसीह का संदेश सुनाया और आगे की प्रचार यात्रा प्रारंभ की।